सो गाइस फाइनली मारुति सुजुकी सिलेरियो नेक्स्ट जेन यहाँ पे मई 2021 को फाइनली लॉन्च होने वाली है, और लॉन्च से एक महीने पहले यहाँ पे इस वीडियो में आपको पता पड़ेगी इसकी हर एक वेरिएंट और प्राइसिंग के बारे में। ये भी जानेंगे कि आखिर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, ताकि आपको टेंटेटिव कंपेरिजन का पता पड़ सके इन बिटवीन द सिलेरियो, टियागो, एस्प्रेसो एंड रेनॉल्ट क्विटा। देखेंगे कि आखिर सिलेरियो या फिर नेक्स्ट जेन सिलेरियो में आखिर ऐसा क्या नया है जो कि इसके कॉम्पिटिशन में हमें देखने को नहीं मिलता। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द वेरिएंट एंड प्राइसिंग एंड ईच डिटेल ऑफ मारुति सुजुकी सिलेरियो 2021। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और जो नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब तो दबाएं सही, उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस करें, वरना क्या है यार नोटिफिकेशन नहीं जाते बेल आइकन दबाए बिना। और तो और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parth.sony75। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आइए बात करते हैं हर एक वेरिएंट और उसकी प्राइसिंग की। एक्चुअली मैं कॉपी में लिख के लाया हूँ, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी अजम्पशन प्राइसिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एग्जैक्ट प्राइसिंग आएगी वो इसके लगभग ही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही रेनो काइगर की शोरूम पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस वेरिएंट पर वीडियो बनाऊँ, RXE बेस मॉडल पे, RXL पे, या फिर टॉप एंड वेरिएंट RXZ पे। मैं टाटा की भी एक गाड़ी की जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं टियागो पे वीडियो बनाऊं, नेक्सॉन पे वीडियो बनाऊं, या फिर हैरियर पे वीडियो बनाऊं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस पर वीडियो चाहते हो, तो मैं उस पर शोरूम पे जाके उसकी गाड़ी की डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और उसको ड्राइव करके बताऊंगा कि आखिर वो स्मूथ एंड परफॉर्मेंस में कैसी है। अब बैक टू द टॉपिक कि आखिर सिलेरियो की वेरिएंट एंड प्राइसिंग क्या है। वेल आपको एक बात तो पता ही होगा कि जो इसका बेस वेरिएंट है वो है LXi, और LXi की जो प्रीवियस प्राइसिंग थी वो थी 4.53 लाख रुपीज। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू प्राइसिंग आएगी वो एटलीस्ट 30,000 नहीं तो 20,000 तो बढ़नी चाहिए। खैर मैं 20,000 भी कम ले रहा हूँ, क्योंकि 30,000 से 40,000 इसकी प्राइसिंग एक्सीड करना चाहिए प्रीवियस वेरिएंट या फिर प्रीवियस जनरेशन के थ्रू। क्यों? रीजन उसका बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नई फेसलिफ्ट स्विफ्ट आई है उसकी प्राइसिंग 50,000 ज़्यादा इंक्रीज कर दी है प्रीवियस के कंपैरिजन में। तो वो तो एक फेसलिफ्ट वर्जन है, और यहाँ पे तो न्यू जनरेशन आने वाली है, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 20,000 प्राइसिंग तो यहाँ पे बढ़ के चलेगी। मेरा स्ट्रांगली जो अंदर से दिल से आ रहा है कि भाई 30,000 बढ़ेगी, पर फिलहाल अपन 20,000 लेके चलते हैं। तो बढ़कर जो LXi की प्राइसिंग हो जाएगी वो 4.73 लाख रुपीज हो जाएगी इसके बेस मॉडल की। नेक्स्ट आता है इसका LXi ऑप्शनल, जो कि एक डिसेंट वेरिएंट है, और उसकी जो न्यू प्राइसिंग रहेगी, न्यू जनरेशन प्राइसिंग, वो रहेगी 4.79 लाख रुपीज एक शोरूम में। ये सारी प्राइसिंग एक शोरूम रहेंगी, ऑन रोड में अभी अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वेरिएंट आता है इसका VXi, जिसमें आपको डिसेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और उसकी एक शोरूम प्राइसिंग मिलेगी 5.23 लाख रुपीज एक शोरूम। नेक्स्ट वेरिएंट आता है इसका VXi ऑप्शनल, जिसकी न्यू एक शोरूम प्राइसिंग रहेगी 5.28 लाख रुपीज एक शोरूम। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे ZXi वेरिएंट, जो कि टॉप एंड है इसका, और इस ZXi वेरिएंट की न्यू जनरेशन प्राइसिंग होने वाली है 5.36 लाख रुपीज एक शोरूम। सो यहाँ पे टॉप एंड आ जाता है। इसके बाद बचते हैं AMT वेरिएंट और CNG वेरिएंट। AMT वेरिएंट यहाँ पे आपको अगेन VXi से देखने को मिल जाएगा। VXi AMT वेरिएंट की जो प्रीवियस प्राइसिंग थी वो थी 5.43 लाख रुपीज, और जो 20,000 बढ़ के हो जाएगी 5.63 लाख रुपीज एक शोरूम बेसिकली। नेक्स्ट आता है VXi के बाद VXi ऑप्शनल AMT, जिसकी पहले प्राइसिंग थी 5.48 लाख रुपीज, और न्यू जनरेशन की प्राइसिंग हो जाएगी 5.68 लाख रुपीज एक शोरूम। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ZXi से रिलेटेड वेरिएंट। ZXi अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आता है ZXi ऑप्शनल वेरिएंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें 998cc का इंजन मिलता है। इस ZXi ऑप्शनल की जो एक शोरूम पहले प्राइसिंग पड़ती थी वो थी 5.59 लाख रुपीज, जो अब न्यू जनरेशन प्राइसिंग है वो पड़ेगी आपको 5.79 लाख रुपीज एक शोरूम बेसिकली। नेक्स्टली यहाँ पे आता है ZXi AMT वेरिएंट, जो कि टॉप एंड है, और टॉप एंड में आपको AMT देखने को मिल रहा है। इसकी पहले प्राइसिंग थी 5.66 लाख रुपीज, जो न्यू जनरेशन पे बढ़ के 20,000 हो जाती है 5.86 लाख रुपीज एक शोरूम बेसिकली। नेक्स्ट आता है इसका टॉप एंड का AMT वेरिएंट, यानी कि ZXi ऑप्शनल AMT, जिसकी पहले प्राइसिंग थी 5.71 लाख रुपीज, और जो 20,000 रुपए बढ़कर हो जाती है 5.91
लाख रुपीज एक्स शोरूम बेसिकली। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपन ने मारुति सुजुकी सेलेरियो के एक्सटीरियर इंटीरियर कैसा होगा, उसमें क्या इंजन स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इस पर मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी, आप वो जाके देख सकते हैं। लिंक आपको यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिल जाएगी। वो भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको जानना है कि क्या क्या आपको एक्सटीरियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको न्यू जनरेशन में तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर देखने को मिलेंगे प्रीवियस के कंपेरिजन में। ग्रिल चेंज कर दिए, हेडलाइट बदल दिए, टेल लैम्प्स अलग देखने को मिलती है, और जो डिजाइन है वो शार्पर और स्पोर्टियर हो गया है। तो गो एंड चेक आउट द वीडियो, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे खत्म होते हैं इसके सारे AMT वेरिएंट्स, अब आ जाते हैं इसके CNG वर्जन्स। तो VXi में आपको CNG देखने को मिलेगा, जिसकी पहले प्राइसिंग थी 5.73 लाख रुपीज, और न्यू जनरेशन प्राइसिंग हो जाती है ऑफकोर्स 5.93 लाख रुपीज एक शोरूम टोटली। नेक्स्ट आता है इसका VXi में टॉप एंड VXi ऑप्शनल CNG, जिसकी पहले प्राइसिंग थी 5.78 लाख रुपीज, और जो अब बढ़कर हो जाती है 5.98 लाख रुपीज एक शोरूम। यहाँ पे सारी प्राइसिंग्स खत्म होती हैं। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसका सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। अगर आप मैनुअल की बात करें तो एक VXi सबसे बढ़िया वेरिएंट है, ZXi वेरिएंट आप देख सकते हैं, और LXi ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एक लो बजट एंडेड में कार चाहिए टोटली, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे LXi ऑप्शनल, VXi एंड ZXi मैनुअल में ये सबसे तीन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और फीचर लोडेड भी बेसिकली। नेक्स्ट अगर AMT की बात करें तो AMT में ऑफकोर्स या तो आप VXi लाओगे तो ही AMT आएगा, या फिर ZXi लाओगे तो ही AMT आएगा। तो VXi AMT आप कंसिडर कर सकते हो, और ZXi AMT कंसिडर कर सकते हो। ऑप्शनल ठीक है, अगर आप चाहो ऑप्शनल लेना तो VXi ऑप्शनल को आप कंसिडर कर सकते हो, बाकी ZXi ऑप्शनल AMT लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। CNG की बात करें तो दो ही ऑप्शन है, VXi CNG और VXi ऑप्शनल CNG। तो मेरे ख्याल से VXi CNG लेना थोड़ा सा सेंस बनता है एज कम्पेयर टू द VXi ऑप्शनल CNG। सो गाइस यहाँ पे खत्म होते हैं वेरिएंट एंड प्राइसिंग ऑफ मारुति सुजुकी सेलेरियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। अब एक सवाल उठता है, आखिर सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में क्या हमें न्यू जनरेशन कंसीडर करना चाहिए। एक बात क्लियर है कि अगर आप प्रीवियस जनरेशन लोगे तो वहां पे आपको बम्पर डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, कहीं 45,000 मिलेगा, कहीं 48,000 तक का मिल जाएगा, डीलर टू डीलर कंपेयर करता है। पर यह बात पक्की है कि आपको ओल्ड जनरेशन में डिस्काउंट तगड़ा देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को लुक्स से इतना मैटर नहीं करते हैं, लुक्स इतना कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो हम बम्पर डिस्काउंट पे एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं, क्योंकि सेलेरियो हुई, एस्प्रेसो हुई, ये कई ऐसी गाड़ियां हैं जहां पे जिनके फेसलिफ्ट वर्जन्स आने वाले हैं, और इसी की वजह से इन पे आपको बम्पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो जिनको लुक्स मैटर करते हैं वो न्यू जनरेशन ही कंसीडर करें, जिसमें आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जिनको लुक्स मैटर नहीं करते वो बम्पर डिस्काउंट पे ओल्ड जनरेशन भी ले सकते हैं। और दूसरा में हमें इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। इंजन तो हमें वही 998cc का K10B पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो पहले पावर प्रोड्यूस करता था 67 bhp और 91 nm ऑफ टॉर्क, पर यहाँ पे जो bhp वो थोड़ा बढ़ाया गया है इंजन ट्यूनिंग को चेंज करके, यानी कि अब आपको 69 से 70 bhp तक की पावर मिलेगी और 91 nm का टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे स्विफ्ट में इंजन ट्यूनिंग करके पावर बढ़ाई थी, एक सेलेरियो का भी यहीं पे कंसिडरेशन किया जाता है। सो गाइज यही थी मारुति सुजुकी सेलेरियो की पूरी पूरी कहानी। नेक्स्ट लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं किस किस पर वीडियो बनाऊँ शोरूम पे जाके, जल्दी ही रेनॉल्ट काइगा पे आने वाली हो, टाटा पे भी मैं अलग अलग गाड़ियों पे शोरूम पे जाके वीडियो बनाने वाला हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि रेनॉल्ट काइगर की कौन से वेरियंट की मैं वीडियो बनाऊँ, RXC की, RXL, RXZ और टाटा की किस गाड़ी की वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे टियागो है, एल्ट्रोस टर्बो है, टियागो का स्पोर्टियर वर्जन आया था, यहाँ पे सफारी की वीडियो बनाऊँ, या फिर हैरियर के। सो गाइज फाइनली थैंक फॉर वॉचिंग।